प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या है? दोस्तों प्रथम प्रखनली शिशु की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, काली मिट्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? दोस्तों काली मिट्टी की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कपास के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसका राइट आंसर यानी 1900 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारतीय गण नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया? दोस्तों गोवा की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1959 में जो है गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार दो बार राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के लगातार दो बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरिया कोयले की खान देश के किस राज्य में है? दोस्तों झरिया कोयले की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड राज्य में जो है झरिया कोयले की खान जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 14 नवंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 सेकेंड से कम, ऑप्शन सी 2 सेकंड से अधिक या फिर ऑप्शन डी 2 सेकंड से कम। तो दोस्तों इसमें बताना है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो है कितना समय लगता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो है ठीक कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।